हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्रिजेस सावन। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने मोबाइल में दोस्तों 6 महीने की कॉल डिटेल निकाल सकते हैं। यदि आप जियो की कॉल डिटेल निकालना चाहते हैं दोस्तों, तो आप 6 महीने तक की कॉल डिटेल निकाल सकते हैं। और दोस्तों आप ये भी जान सकते हैं कि आपने किस मोबाइल पर कितनी बात की है, किस नंबर पर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 1 से लेकर 6 महीने तक हम निकाल सकते हैं। कस्टम भी निकाल सकते हैं, 10 दिन की, 2 दिन की, 5 दिन की, जितनी आप चाहें। और दोस्तों इसमें हम ये भी पता कर सकते हैं हमारा नेट कितना खर्च हुआ है, या कितने देर तक हमने चीज़ चलाई है, तो हमारा कितना MB डाटा खर्च हुआ है, किस चीज़ में हुआ है। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कैसे हम इसमें जानेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, हमारे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर अब हम करेंगे क्या दोस्तों, उसके लिए देखिए हमें सबसे पहले जाना होगा दोस्तों अपने प्ले स्टोर में। यदि आपके पास दोस्तों MyJio ऐप डाउनलोड नहीं है, तो आपको MyJio ऐप डाउनलोड करना है। देखिए मेरे मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ पर MyJio ऐप को ओपन कर लेता हूँ। MyJio ऐप को हम जैसे ही ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से खुलने वाला है। अब देखिए यहाँ पर अभी ये खुलेगा दोस्तों। खुलने के बाद हम इसको अपनी जो है अपनी कॉल डिटेल कैसे निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो स्क्रॉल करने के बाद देखिए ट्रेंडिंग नाउ लिखा हुआ है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब जो है देखिए यूजेज डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यूजेज डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है टुडे, ये दोस्तों हमारा क्या बता रहा है, अभी नेट बता रहा है कि हमने यहाँ पर कितना नेट खर्च किया हुआ है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम ऊपर आपको साइड में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ऊपर देखिए डाटा कॉल्स और SMS लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर कॉल्स पर क्लिक करते हैं। कॉल्स पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी, हमने किस किस से बात की है और दोस्तों कब कब की है, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए मैं बताने वाला था आपको 6 मंथ की डिटेल। देखिए यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए आप 7 AM तक का यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम दोस्तों, यहाँ पर अब हमें 6 महीने की डिटेल्स देखना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डू यू वांट टू व्यू डिटेल्स यूज स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन खुल चुके हैं। यहाँ पर 7 डेज 15 डेज और 30 डेज, यानी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं यदि डायरेक्ट निकालना है। लेकिन देखिए मैं आपको पहले 7 दिन का निकाल के बताता हूँ 7 डे का। अब यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं आपको। सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ईमेल स्टेटमेंट भी आएगा, डाउनलोड स्टेटमेंट हो जाएगा और व्यू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम अभी डाउनलोड नहीं करते हैं, यहाँ पर व्यू कर लेते हैं और व्यू स्टेटमेंट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर व्यू स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। देखिए यहाँ पर ये खुल चुका है। अब यहाँ पर देखिए मेरा जो पूरा एड्रेस लिखा रहा है मिस्टर रामकुमार साहू, और दोस्तों ये पूरा एड्रेस है, मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है यहाँ पर देखिए। तो ये दोस्तों सब क्या है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि हमारी ये डिटेल्स है। अब हम क्या करना है, व्यू मोर पर हम क्लिक करेंगे। अभी तो देखिए मेरा यहाँ पर क्या आ रहा है, मोबाइल नंबर ही शो हो रहा है, आधार कार्ड भी। अब यहाँ पर देखिए ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा माई बिल प्लान डिटेल यूजेज चार्जेस, तो हम क्या करेंगे यूजेज चार्जेस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, डाटा वॉइस एंड SMS। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम वॉइस पर क्लिक करेंगे। वॉइस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर भी अभी पूरा नहीं खुला है, तो हम यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक कर देंगे। क्लिक हेयर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को, सॉरी क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आ चुकी है दोस्तों, कितने 7 दिन की, यानी कि 26 तारीख से लेके यहाँ पर आज कितने 3 तारीख है, तो यहाँ तक की कॉल डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखिए यदि हमें एक पूरे मंथ की देखना है, 15 दिन की देखना है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट ही देख सकते हैं। अब 6 मंथ की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कस्टम डेट्स पर आएंगे। यहाँ पर जाने के बाद देखिए हम यहाँ पर बैक होते हैं, और इससे ही हमें पता चल जाएगा कहाँ से कहाँ तक की देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको डेट देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर 7 तारीख से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से ओके कर देंगे, ओके करने के बाद टू डेट यानी आज की ओके कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ईमेल स्टेटमेंट, यानी दोस्तों 6 महीने का जो स्टेटमेंट है वो दोस्तों ईमेल पर ही शो होगा, यानी डायरेक्ट नहीं होगा। तो आप यहाँ से भी ईमेल का जो स्टेटमेंट है, आप ईमेल स्टेटमेंट ले सकते हैं अपनी कॉल डिटेल का। और दोस्तों आप भी जान सकते हैं कि किसने किस नंबर पर कितनी बात की है, तो दोस्तों यहाँ से आप जान सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगी हो तो इसे लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए दोस्तों, तो मुझे सपोर्ट